हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 23 सितंबर 2021 और भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:37 हो रहे हैं। तो हम आज ना मैं जाने वाला हूँ अपने सचिन भैया, है ना, उन्होंने नया ट्रैक्टर लेके आए, उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। और वो कौन सा ट्रैक्टर है, क्या हुए हैं, आप लोगों को वहीं जाके बताता हूँ। वैसे चलते हैं अभी। तो भाई अभी मैं आया था, अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने हॉर्न वाइल्ड डाली वो शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी, उसका जो थंबनेल डालना है वो फ़ोटो लेने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो ले लिया है वो, और वो भैया तो कहीं चल नहीं रहे भैया अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए, तो रहने देते हैं, और किसी दिन देखेंगे। तो अभी चलते हैं वापस घर। और वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी बज रहा है शाम के 5 और मैं अभी अपने एक घंटे पहले ITI से आया था, तो इधर अपने खेतों में घूमने आ गया था भाई। इतनी मस्त पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और थोड़े थोड़े ये देखो बादल भी हैं भाई। एक गुड न्यूज़ है जो मेरे लिए है और आप लोगों के लिए भी है, जो मैं आपको बताता हूँ। जो अभी तक मैं जो वीडियो बस बनाता था ना, वो मैं अपने भैया इनके मोबाइल से बनाता था। जब भी वो मोबाइल देते थे तब कुछ भी वीडियो बना ली, पर अभी मैंने है ना सुबह उनसे बोला था कि यार वीडियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है। तो एक भैया है हमारे, उनके पास में एक iPhone SE रखा था, तो उन्होंने वो दे दिया। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वो उसी में बना रहा हूँ। तो बताना इसकी क्वालिटी कैसी है कमेंट सेक्शन में। और भाई अब आप लोगों को ना मेरे रेगुलर तो नहीं, पर हफ्ते में 2-3 ब्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। और भाई ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ, तो उतना एडिट करने में भी भाई ज़्यादा समय लगता है। और किसी के सामने ना ऐसा बोलने में भी, ब्लॉग करने में भी दिक्कत आती है। जैसे अपन आमने सामने बात करो ना तो भाई बात अलग होती है, पर अभी एक कैमरा रखा हुआ है उसके सामने आप बोल रहे हो, मोबाइल में देख के बोल रहे हो, तो क्या बोलें पता भी नहीं चलता है। तो ठीक है, पर आप लोगों को अगर ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो बनाएंगे, और पसंद आते हैं तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस यही चीज़ें बतानी थी आज। तो अब घर चलते हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया। अब घर पे भी जाके ना अपनी गाय वगैरह बांधनी है, क्योंकि गांव में ना बहुत मस्त माहौल होता है। बढ़िया शाम हुई, अपनी गाय माय बांधो, आज मैं बांध दूंगा और क्या, अपना ब्लॉग बन जाए, कंटेंट मिलना चाहिए बस। तो चलो चलते हैं अभी घर। तो ये गाय हम सारी यहाँ पर बांध दी है, टोटल हमारे पास ना 6 गाय हैं। ये 2 ये वाली है जो दूध देती है, और 2 छोटी छोटी वो बंदी, और 2 ये है, और ये जो है ना ये कली जनी है। तो इसका जो बछड़ा है वो अंदर बंधा हुआ है। और अभी फ़िलहाल ना गाय लगाते हैं, आज गाय में लगाऊंगा, क्योंकि कहीं पापा या कहीं चले जाते हैं ना तो फिर गाय लगाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो वैसे सीख रहा हूँ अभी, तो चलो। सो है गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अभी ना शाम के 4 बजे, और बाहर मौसम देखो इतना भयंकर हो रहा है, ये बहुत पानी गिर रहा है, मैं बताता हूँ, इतनी बारिश हो रही है, और सुबह से इतनी गर्मी हो रही थी ना, और कब मौसम का भी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। और ना हमारी धान जो कल कट के आई थी वो सारी गांव में गली हुई थी धूप में, तो थोड़ा भी लेट हो जाते तो सारी खारी भीग जाती। तो भाई खेती का काम, फार्मिंग का काम इतना भी आसान नहीं होता जितना शहर के लोगों को लगता है ना, कि गए बो के आ गए और 4 महीने के बाद में है ना कटवा ली। भाई फसल आई भी घर या नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे मौसम में बताओ कोई फसल हो तो वो कैसे आएगी, कैसे कटवाओगे, तो सारी भाई ख़राब हो जाती। लास्ट ईयर ना हमारी सारी धान जो थी वो ख़राब हो गई थी, और जो सोयाबीन थी ना वो भी पूरी बखड़नी पड़ी थी भाई। और ये इतनी भयंकर बारिश हो रही है ये देखो। भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग में अगर कुछ गलती लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि वो गलती अगले ब्लॉग में ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।